नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से एक बार फिर प्राची की शादी के लिए सीधा सीधा रणबीर के ऊपर जुम्मा होगा और रणबीर बोलते हुए नजर भी आने वाले हैं कि किस तरीका से हम शादी कराएंगे। क्योंकि इधर रणबीर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा रोते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सिड और प्राची दोनों की ही शादी होने जा रही है। और सिड और प्राची की शादी की अगर बात की जाए तो ये शादी तो नहीं होगी दोस्तों, इतना तो कंफर्म है, क्योंकि एंड टाइम पे प्राची को चक्कर आ जाएंगे। लेकिन इस समय जो जयमाला गिरने की बात है, जयमाला इधर पड़ती हुई नजर आ रही है और उसमें रिया और आलिया दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रही हैं कि चलो अब प्राची फाइनली इस घर से हमेशा हमेशा के लिए विदा होने जा रही है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि प्राची को विदा करने के लिए इस समय रिया और आलिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और एक्साइटेड इसलिए हैं क्योंकि इस समय रिया के अंडर में जितना भी सब कुछ है, रिया चाहती हैं कि हर हालत में ये सब कुछ जो कि प्राची सब कुछ छोड़कर यहाँ से जल्द चली जाए। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी में अगर आप लोग देख पाएंगे कि जबरदस्त टूश और जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से रणवीर के आगे प्राची जैसे ही बेहोश होती हैं तुरंत ही रणवीर उसे हॉस्पिटल लेके एडमिट करेगा, क्योंकि अब रणवीर की पूरी तरीका से जिम्मेदारी है, क्योंकि रणवीर ही जयमाला के लिए लाया था प्राची को कि प्राची मैं मंडप तक तुम्हें साथ ले जाता हूँ और वहाँ पर तुम्हारे साथ फेरे मेरे ही सामने होने बाकी हैं। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कहानी में एक बार फिर से जबरदस्त टूश जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से रणबीर की जिम्मेवारी जो है ये है कि प्राची को किसी भी तरीका से सेफ रखना, और रणबीर अपना उसी फर्ज को निभाते हुए नजर आ रहा है। साथ ही दोस्तों आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूँगा, गाइस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताएं गाइस आपको मेरी वीडियो आखिर कैसी लग रही है।